जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं हूं अजीत फौजी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ओम स्पोर्ट्स एकेडमी तोसम। अब मैं आपको बताता हूं एक रिलेशन की भर्ती के बारे में। ये यूएचक्यू कोटा की भर्ती है। यूएचक्यू कोटा आपको पता ही है, यूनिट हेडक्वार्टर कोटा की भर्ती होती है, जिसके अंदर रिलेशन के बच्चे जा सकते हैं। वो रिलेशन के बच्चे एक्स सर्विसमैन के भी हो सकते हैं और सर्विंग पर्सन के भी हो सकते हैं, जो सेना में नौकरी कर रहे हैं। ये भाई और बच्चे हो सकते हैं, किसी फौजी के भाई भी हो सकता है और बच्चे भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए एक नया रूल आ गया है अभी। जो भी मेरे भाई नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, जो ये भर्ती का रूल आ रखा है, जो जेसीओ जोवार के लिए 2014 का, उसके मुताबिक जो कंबाइंड फ़ोटो होनी चाहिए आपके पिताजी के साथ में, आपके जो रिलेशन सर्टिफिकेट बनता है, और जो रिलेशन सर्टिफिकेट रिकॉर्ड द्वारा होना चाहिए, जो आपका रेजिमेंट का, किसी भी रेजिमेंट में आपके पिताजी या भाई नौकरी कर रहे हैं, उस रेजिमेंट का जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड और रिकॉर्ड का अफसर का, उसमें नाम, नंबर, रैंक समेत मोहर होती है, स्टैंप होती है, साइन करता है उनकी, तो और उसके अंदर वाटर मार्क दिया होता है और फोटो लगानी जरूरी है। तो ये दोस्तों आप ज़रूर ध्यान रखें, आगे भर्ती में जिसका भी पुराना रिलेशन है अपना चेंज करवा लें, क्योंकि ये चलेगा नहीं आगे से अभी, तो ये ज़रूर ध्यान दें। अब बात करते हैं जो यूनिट हेडक्वार्टर कोटा की ये भर्ती है, 14 सितंबर 2021 से शुरू होने वाली है दोस्तों। और ये भर्ती सोल्जर जीडी और सोल्जर ट्रेडमैन कैटेगरी की होगी, और ये भर्ती जो है अपना पैरासूट रेजिमेंट सेंटर बेंगलोर करेगा। तो दोस्तों, जो भी मेरे भाई हैं वो सर्विस के मैन के हैं या सर्विस मैन के हैं, बेटे हैं, भाई हैं, जिनके पास रिलेशन सर्टिफिकेट है, वो इस भर्ती में जा सकते हैं। तो जो भी भाई हैं वो अपना ध्यान दें और जो मैंने बताया उस प्रकार से अपना रिलेशन सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाएं, इस भर्ती में जाएं। इस भर्ती का शेड्यूल इस प्रकार से है कि 14 सितंबर को सुबह आपको सभी कैंडिडेट को रिपोर्ट करनी है गेट नंबर 1, जो पैरा रेजिमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर है बेंगलोर का, उसके गेट नंबर 1 के ऊपर आपको पहुँचना है 0600 सुबह मॉर्निंग में, और सारे अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो साथ लेकर जाने हैं सारे में। उसमें मार्कशीट भी आ गई, आपके डोमिसाइल भी आ गया, रिलेशन सर्टिफिकेट भी, और भी जो सर्टिफिकेट भर्ती के लिए ज़रूरी होते हैं वो सारे सर्टिफिकेट लेकर जाएं गेट नंबर 1 पे सुबह 6 बजे 14 सितंबर 2021 को। उस दिन तो सिर्फ आपका क्या है, डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, आपके बैच बना दिए जाएंगे, और 15 तारीख से लेकर 15 सितंबर 2021 से 23 सितंबर 2021 तक आपका जो पीएफटी, पीएमटी और आपके डिटेल से डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। तो पीएफटी का मतलब होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, आपका दौड़ वगैरह, और फिजिकल मेजरमेंट आपके हाइट, वेट, चेस्ट वगैरह चेक किए जाएंगे, और ये 15 से 23 तक चलेगी ये कार्रवाई। जो भी लड़के इन सब में फिट हो जाएंगे, उसके बाद उनका 24 सितंबर 2021 से मेडिकल शुरू हो जाएगा। जो लड़के पीएफटी और पीएमटी और अपने डॉक्यूमेंट में फिट हो जाएंगे, उन्हीं लड़कों के लिए यहाँ पर 24 सितंबर 2021 से मेडिकल शुरू होगा। तो जो लड़के मेडिकल फिट हो जाएंगे, उन लड़कों को तो जो है 29 अक्टूबर 2021 को एडमिट कार्ड, जो एंट्रेंस टेस्ट है 31 अक्टूबर 2021 का, इसमें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो उनके लिए एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा 29 अक्टूबर 2021 को। लेकिन जो लड़के अनफिट कर दिए जाएंगे, जिनका कोई पॉइंट बन जाएगा, तो उन लड़कों को जो है कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स का है बेंगलोर का, बेंगलोर में, वहां पर भेजा जाएगा पॉइंट के लिए। तो ये पूरी कार्रवाई आपकी 24 सितंबर से लेके और 29 अक्टूबर तक चलेगी। जो लड़के जो भी मेडिकल हो जाता है, उसके बाद 29 अक्टूबर को आपको एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा और 31 अक्टूबर का आपका रिटर्न टेस्ट होएगा। तो इस प्रकार से भर्ती का पूरा शेड्यूल है। जिस भाई को भी समझ में नहीं आया तो हमें कृपया करके व्हाट्सअप कर दें, हम बता देंगे, उसके पास भेज देंगे। जो भी भाई भर्ती में जा रहे हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाएँ। और ये मत सोचना भाई कोरोना ख़त्म हो गया है, जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल हैं, इंस्ट्रक्शन हैं, गाइडलाइंस, वो पक्का फॉलो करनी है आपको, ठीक है दोस्तों। अपना इंजेक्शन जिसने लिया है वो लें, इंजेक्शन ज़रूरी कर रखे 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए। उसके अलावा जो भी भाई भर्ती में जा रहे हैं, अपनी कोरोना रिपोर्ट वगैरह पक्का लेकर जाएं, उसके बाद अपना सैनिटाइज हैं, मास्क, ग्लाउज, ये सभी चीज़ें, अपने जूते, अपना फिजिकल किट सभी लेकर जाएँ भर्ती के अंदर।
उन्हीं की एंट्री होएगी दोस्तों, आपको बता देते हैं। ये जो है इंस्ट्रक्शन पक्का फॉलो करनी है कोविड प्रोटोकॉल की। उसके अलावा आपका जो रिलेशन सर्टिफिकेट है वो मैंने बता ही दिया, ताकि वो जो आपका रिकॉर्ड अफसर के द्वारा होना चाहिए और उसमें वाटर मार्क्स वगैरह पक्का होना चाहिए। उसके अलावा कई बच्चों के पिताजी या भाई क्या है फौज से रिटायरमेंट लेकर डीएससी ज्वाइन कर लेते हैं तो डीएससी का रिलेशन बनवा लेते हैं, तो ये डीएससी का रिलेशन नहीं चलेगा। जो भी आपके पिताजी पहले जिस फौज में थे उसी ग्रुप में थे, उस ग्रुप का ही रिलेशन चलेगा रिकॉर्ड अफसर के द्वारा, और टीए वगैरह का रिलेशन नहीं चलेगा। तो ये ध्यान दे भाई दोस्तों, यहाँ पर कई बच्चे चले जाते हैं गलती से, किराया भाड़ा लगता है, परेशानी होती है, तो इन चीज़ों का ध्यान दें ये यहाँ पर, ठीक है। और रिलेशन सर्टिफिकेट हो तभी भर्ती में जाना, सारे डॉक्यूमेंट पूरे हों। डॉक्यूमेंट की अगर जानकारी नहीं हो तो हमें व्हाट्सअप कर देना, हम आपको बता देंगे। जो भी चार्ट है हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं हमेशा हर बच्चे के लिए डिस्क्रिप्शन में चार्ट पक्का देता हूँ, ताकि उनको कोई भी असुविधा ना हो। तो जिस भाई को भी फिजिकल फिट हो जाता है तो हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकता है टेस्ट के लिए, और जो फिजिकल के में रह जाते हैं वो फिजिकल की तैयारी के लिए आ सकते हैं। दोस्तों पिछले साल 2020 में जब कोरोना टाइम था और सावन का महीना था, उस समय मैंने सोचा कि आप लोगों की मदद के लिए एक चैनल बनाऊं, जिससे आप लोगों को जानकारी दे सकूं, क्योंकि मैं पहले फौज में था और मैंने 17-18 साल नौकरी करी है फौज में, जो मेरे पास जानकारी थी मैं ताकि और लोगों को भी दे सकूं। और फिर उसके बाद मैंने पुलिस ज्वाइन कर ली, अभी मैं पुलिस में हूँ। उसके अलावा मेरे पास जितना भी टाइम मिलता है दोस्तों, मैं आप लोगों की मदद करने में अपना समय व्यतीत करता हूँ, और मेरा एक कोचिंग सेंटर भी है जिसमें मैं आप लोगों को फिजिकल की, टेस्ट की और सारे प्रकार की कोचिंग प्रोवाइड करवाता हूं, और लगभग गरीब बच्चों की और शहीदों के बच्चों की बिल्कुल फ्री कोचिंग है। तो दोस्तों आप हमारा जो YouTube चैनल देख रहे हैं ओम स्पोर्ट्स अकेडमी तोशाम, इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों पिछले साल से एक साल हो चुका है, इस सामने में 2021 में एक साल हो गया लगभग, लेकिन मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ। जो लड़के पिछले साल मैंने ज़बरदस्ती उनको कह के भर्तियों में भेजा, और वो लड़के गए भी और सेलेक्ट भी हो गए, लेकिन उन लड़कों ने कोई वो नहीं दिखाई, इंसानियत नहीं दिखाई दोस्तों, उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करवाया और न ही अपने दोस्तों को। मैंने उनको बोलता रहा अपने दोस्तों को भेजो औरों को बताओ जिनकी मदद हो उसके, आप तो नौकरी लग गए हैं, लेकिन उनमें इस प्रकार की वो नहीं थी। तो दोस्तों अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, मैं आपकी मदद हर समय करने को तैयार रहता हूँ। आपको जो भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, मेरा नंबर थंबनेल पे दिया हुआ है। दोस्तों मेरे पास टाइम कम लगता है इसलिए मैं हर वीडियो तो नहीं डाल पाता, लेकिन जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है, जो सॉलिड इन्फॉर्मेशन आती है स्टिक, मैं वही वीडियो डालता हूं और पूरी डिटेल में बताता हूं किसको जाना, कब जाना, क्या लेकर जाना, किसकी भर्ती कहां पर होगी, हर प्रकार की डिटेल से डालता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसके ऊपर हम हर प्रकार की जानकारी देते रहते हैं लड़कों को समय समय पर। तो जिसको भी फिजिकल की तैयारी करनी हो, टेस्ट की तैयारी करनी हो, तो हमारी एकेडमी में भी आ सकता है। हमारी एकेडमी बिल्कुल नॉर्मल फीस है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है, और टेस्ट वाले बच्चों की तो सिलेक्शन के बाद दे सकते हैं फीस। तो दोस्तों गरीब आदमियों के लिए हमने ये एकेडमी बनाई है, क्योंकि आपको पता है जो फौज और पुलिस में ज़्यादा तगड़े घरों के लड़के नहीं जाते, वो नॉर्मल परिवार के लड़के जाते हैं, तो मैंने उनकी मदद के लिए अपना ये बनाया हुआ है। तो दोस्तों हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।